आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दिनांक 28 मार्च 2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को चेकिंग के दौरान के जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 22 मार्च 2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर में प्रतिबंधित पशुओं के मांस से भरी हुई एक बोलेरो पिकअप गाड़ी बरामद हुई थी। उसको छोड़कर भागने वाले अभियुक्त दिल्ली भागने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्राप्त सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस व टीम ग्रामीण जोन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही थी। चौकी लालबाग क्षेत्र में पुलिस द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तभी एक मोटरसाइकिल पर आ रहे दो संदिग्धों को टॉर्च की रोशनी दिखाकर रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ाकर वापस मोटरसाइकिल मुड़ाकर भागने का प्रयास करने लगे तो मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई और जिसके उपरांत एक बदमाश को पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही तत्परता से पकड़ लिया गया तथा दूसरा बदमाश पुलिस टीम को निशाना जानलेवा फायर करने लगी। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, अन्य दूसरा बदमाश भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से पास से गोवंश काटने के उपकरण, एक तमंचा, नाजायज एक जिंदा व खोखा कारतूस तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और तथा अन्य विस्तृत पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की देखिए रिपोर्ट। आज दिनांक 28/3/2024 को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में जब पुलिस के द्वारा रात्रि में करीब 12:30 बजे चेकिंग की जा रही थी तो सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 22/3/2024 को प्रतिबंधित पशु से संबंधित मांस से एक भरी हुई एक बुलेरो पिकअप बरामद हुई थी। उससे संबंधित अभियुक्त दिल्ली भागने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। चौकी लालबाग क्षेत्र में पुलिस द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति जिनको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बाइक को वापस मोड़ के भागने का प्रयास किया जिसमें फुरकान नामक व्यक्ति को जो कि गाड़ी मुड़ते ही गिर पड़ा था पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक व्यक्ति दीन मोहम्मद उर्फ दिल्ला जिसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा तत्काल जवाबी फायरिंग की गई जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी, उसको तत्काल अस्पताल भिजवा दिया गया। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि फुरकान, दीन मोहम्मद और राशिद इनके द्वारा मिलकर क्षेत्र में घूमने वाले गौवंश से संबंधित पशुओं की तस्करी की जाती थी तथा उनका गौमांस दिल्ली में बेचा जाता था। पुलिस द्वारा मौके से चोरी की मोटरसाइकिल, 315 बोर का असलाह, एक जिंदा कारतूस, एक मृत कारतूस तथा पशुओं को काटने वाला उपकरण बरामद किया गया है तथा पुलिस के द्वारा अनुविधिक कार्रवाई की जा रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।